कांग्रेस सरकार थी तो मंत्रियों और विधायकों पर कमीशनबाजी के तमाम आरोप लगते थे, तो क्या राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गए हैं तो क्या हालात भी परिवर्तित हो गए हैं? कमीशनबाजी का खेल खत्म हो चुका है? इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑडियो आई है, उन ऑडियो को जरा सुन लीजिए, उसके बारे में बताएंगे कि ऑडियो किसकी हैं, किस कमीशन की बात की जा रही है, क्या मामला दर्ज हुआ है, मामला कहाँ का है, कौन विधायक और किस पार्टी का विधायक इसमें शामिल है जिस पर आरोप लग रहे हैं, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए और ये सुन लीजिए ऑडियो कि आखिर मामला क्या है। हेलो हेलो देवेंद्र भाई, मैं एमपी बोल रहा हूँ। हाँ एमपी साहब बात कर रहे हैं। हाँ सुन रहा, मैं कह रहा हूँ आपस में कैसे भी करके इसको निपटाओ, लड़ाई। नहीं, एमपी साहब ने फोन किया कमिश्नर साहब को, उस चीज का हम 10% हिस्सा दे रहे थे ना। हेलो नहीं, 10% ले ही रहे ना अपना है फोन कराने के है, तो इनको गाली गलौज करने की क्या जरूरत पड़ेगी भैया? वो गाली गलौज करने की क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब आपस में कोई बात नहीं, 500 है उसके अलावा इनको खाली फोन ही तो किया उन्होंने कमिश्नर साहब को, मतलब मात्रे है ना, इन्होंने कौन से पैसे लगा दिए उस प्रॉपर्टी के अंदर? हैं? एक कमिश्नर साहब को फोन ही किया, उसको 10% मिल रहा है इनको, ये किस चीज के थ्री एक्ट लगाएंगे? दादागिरी करते हैं क्या ये? एमपी साहब, आपने सीपी साहब को फोन किया, आपने सीपी साहब को फोन किया, आपको 10% हिस्सा दे दिया हमने, बिना पैसे लगाए आपको हिस्सा दे दिया। आपको इनके आज भी हम भी विधानसभा क्षेत्र के आपके आपके संग हमने भी चंदा दिया है, आपको गाली गलौज करने की जरूरत कहाँ पड़ गई थी मेरे से? मतलब आप एकांत कैसे थे? पहले नंबर तो तेरी गलती और बेईमानी, यानी मैं रोज तुझे फोन कर रहा हूँ कब रजिस्ट्री करानी है। नहीं रजिस्ट्री तो मैंने कल मेरी बात सुनो, रजिस्ट्री मैंने करा ली, कौन सी बीमारी कर ली, मैंने कौन से पैसे ले लिए किसी से, जो किसी के पैसे खा गए? मतलब मैं किसी के पैसे खा गए रजिस्ट्री करा के? बात रजिस्टर करा था, बात कर। ऐसे बात कब्जा करेंगे तो आप कब्जा करेंगे मेरे इस प्लॉट पे? हाँ ठीक है, अब बस बात बहुत कुछ ऑडियो सुनने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मसला बीजेपी के विधायक से जुड़ा हुआ है। वो विधायक कौन है? बहादुर सिंह कोहली, जो भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बहादुर कोहली के बारे में थोड़ा समझना होगा कि बहादुर कोहली दो बार से सांसद हैं बीजेपी के रहे थे, और फिर लगातार ये 3 बार से विधायक हैं वैर से, इस बार वो जीते हैं। बहादुर कोहली की 2018 में टिकट काट दी गई थी। वो क्यों काट दी गई थी? बीजेपी ने काटी थी क्योंकि उनका एक स्टिंग ऑपरेशन उस समय हो गया था कि एम्बुलेंस से पैसे चुनाव के लिए आ जाते हैं कोई देता है तो, और वो स्टिंग ऑपरेशन जब चला, मीडिया में हाईलाइट हुआ, तो बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी, रंजीता कोहली को टिकट मिल गई थी। तब से ये चुप बैठे हुए थे, अब उनको टिकट मिल गई, चुनाव जीत गए वैर से। एक बार जब वो एमपी थे तब लुधावई टोल टैक्स है, टोल प्लाजा पर, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे है, वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ था टोल कर्मियों से। तीसरी घटना और एक सामने आती है, जब ये एमपी थे तो ट्रेन में इनका झगड़ा हो गया था। 3 कांड इनके सामने आए थे। बहादुर सिंह कोहली का ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल नहीं हो रहा है, ये मामला भी दर्ज हो गया है। दोनों तरफ से मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला जयपुर का है, जयपुर का श्याम नगर थाना इलाके में एक प्लॉट है, 543 वर्गज का प्लॉट बताया जा रहा है, जो विवादित था। एक महिला थी जयपुर की रहने वाली, कोहली महिला जो गरीब थी, उनके नाम से वो प्लॉट था, लेकिन कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया तो फिर उस महिला की बात भरतपुर के रहने वाले कौशलेंद्र और देवेंद्र से होती है। उन्होंने कहा कब्जा हम छुड़ा लेंगे, आप रजिस्ट्री हमारे नाम कर दीजिए, रजिस्ट्री, लेकिन वो कब्जा नहीं छुड़ा पाए थे। इस बीच बहादुर कोहली को देवेंद्र कौशलेंद्र साथ में लेते और कहते हैं कि आप विधायक हैं,
आपकी सत्ता है, आपकी पावर है, इस कब्जे को हटवा दीजिए, आपको 10% शेयर दिया जाएगा, सिर्फ 10% कमीशन दिया जाएगा। कब्जा बता रहे हैं, जैसा हमारी देवेंद्र कौशलेंद्र से बात हुई है कि कब्जा हमने अपने बेस पे हटवाया था और रजिस्ट्री हमने करवा ली, निर्माण हम उसमें करना चाह रहे थे। लेकिन जो विधायक हैं बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली, वो वहाँ मौके पर कल पहुँचते हैं, दोनों पक्षों में विवाद होता है, सुनने में यह आया है जो आरोप लगाए कि हाथापाई होती है दोनों पक्षों में, दोनों ही पक्षों की तरफ से शिकायत श्यामनगर थाने में दर्ज करा दी जाती है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑडियो जो सामने आया उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बहादुर कोहली को देवेंद्र जब बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि 10% कमीशन जो कब्जा था इस प्लॉट पर, आपने कमिश्नर को फ़ोन किया था कब्जा हटाने के लिए, सिर्फ एक कमिश्नर को फ़ोन करने की एवज में ही बहादुर सिंह कोहली को 10% का कमीशन देने की बात उस ऑडियो में चल रही है। लेकिन जब हमारी फ़ोन पे बात हुई है उनसे तो उन्होंने कहा है कि बहादुर सिंह कोहली 10% कमीशन का देना था इनको, लेकिन फिर विधायक जी 10% से राजी नहीं हुए और फिर कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि कमीशन 25-30% मुझे चाहिए, क्योंकि कमिश्नर से फ़ोन करा करके मैंने कब्जा हटवाया है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कब्जा आपके कहने से नहीं हटा है, कब्जा हमने अपने बेस से हटवाया है। ये सब झगड़ा चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। बहादुर कोहली को पता लगता है, अपने लोगों के साथ पहुंच जाते हैं, उनके भी लोग वहाँ खड़े थे, विवाद होता है, हाथापाई होती है, गाली गलौज होती है, दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हो जाती है, पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो आप ये समझना होगा कि मामला एक प्लॉट का है जो किसी गरीब महिला का था, अनुसूचित जाति की महिला थी कोहली, मसरून जो नाम बताया जा रहा है, किसी ने कब्जा कर लिया, बीच में आ जाते बहादुर सिंह कोहली, एक पार्टी आती है बहादुर सिंह कोहली से मिलते हैं और बहादुर सिंह कोहली का फिर यहाँ कमीशनबाजी का खेल शुरू हो जाता है, जैसा आरोप लग रहा है, शिकायत में आरोप लग रहा है, ऑडियो में आरोप लग रहा है। तो सवाल यही है कि बीजेपी कांग्रेस 5 साल रही थी और कांग्रेस सरकार में जो विधायक थे, मंत्री थे, उन पर जिस तरह से कमीशनबाजी, कमीशनखोरी के आरोप लगे थे, दलाली करने के आरोप लगे थे, लोगों से, अधिकारियों से, प्रशासन से, कर्मचारियों से पैसे हड़पने के आरोप लगे थे, सत्ता परिवर्तन हो गई लेकिन हालात में परिवर्तन नहीं हुआ, हालात वहीं की वहीं हैं। और ये जो ऑडियो और जो FIR दर्ज हुई हैं उनसे ये साबित होता है कि सत्ता चाहे परिवर्तन हो गई हो राजस्थान में, लेकिन हालात वहीं हैं। विधायक तो अपना कमीशन का खेल खेल ही रहे हैं और खेलते रहे हैं, ये खेल नहीं रुक रहा है। और फिर लोग कहते भी हैं, पढ़ाई कितनी भी कर लो, अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको नौकरी सरकारी मिली जाए, आप बेरोज़गार भी रह सकते हो, लेकिन राजनीति के ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अगर मेहनत करके आपका भाग्य है, अगर आप इसमें आ गए तो फिर पैसे आप पे आना शुरू हो जाते हैं, आपको पैसे आने के रास्ते शुरू हो जाते हैं। और ये साबित होता भी है, जिस तरह से आरोप लगते हैं, ऑडियो आते हैं सामने, FIR दर्ज होती हैं। तो मुझे लगता है जनता में जब ये चर्चा हुई है, FIR दर्ज हुई है, ऑडियो वायरल हुई है, तो जनता में एक चर्चा चल रही है भरतपुर ज़िले में, खासकर बैर विधानसभा क्षेत्र में, कि विधायक जी को जनता ने चुनाव जिताया सिर्फ इसलिए कि जनता की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, क्षेत्र में जो आधारभूत सुविधाएँ हैं उनके विकास पर काम करें। लेकिन विधायक जी तो जयपुर में रह करके कब्जा हटवा करके कमीशन लेने का जो अभियान चला रखा है, और जो FIR दर्ज हुई हैं, झगड़ा हो रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हुई हैं, इन सब से उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं क्षेत्र के, वो मायूस हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है, विधायक का काम नहीं होता है किसी पचड़े में पड़ना, किसी कब्जे को हटा करके कमीशन लेना, पिटाई करना, गाली खाना, गाली सुनना, ये सब एक विधायक के लिए नहीं होना चाहिए। विधायक के लिए विधायिका का काम होना चाहिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये चर्चाओं में है, बीजेपी सरकार है, अब देखना ये है कि FIR दर्ज हो चुके हैं दोनों तरफ से, विधायक बहादुर सिंह कोहली की ऑडियो वायरल हो रही है, पुलिस किस तरह से जाँच करती है, क्या जाँच करती है, क्या कार्रवाई करती है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑडियो में आप सुन सकते हैं किस तरह से बहादुर कोहली उसको, वो व्यक्ति कह रहा है कि कब्जा हटाने के लिए, कमिश्नर से फ़ोन कराने के लिए हमने आपको 10% कमीशन दिया है, बहादुर कोहली उसको मना नहीं करने के नहीं दिया है, और फिर वो ये कह रहा है कि आप सांसद हो, वो विधायक हो, बीजेपी के वर्तमान विधायक हो, 3 एक्ट आप हम पे लगा सकते हो, आपकी सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, बहादुर कोहली की भी बात आपने सुनी और जो दूसरा पक्ष है उसकी बात सुन रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो निकल के आती है कि कमीशन वाजी का जो खेल है, ना तो पहले राजस्थान में रुक पाया था कांग्रेस सरकार में, और ना आज बीजेपी सरकार में रुक पा रहा है। सत्ता के जो नुमाइंदे हैं, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों,
वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, उन पर आरोप भी लगते हैं और आज बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली पर ये आरोप लग रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या होना है, क्या होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी।